जय हिंद साथियों, आज मैं आपको SSCGD में फिजिकल बनू और जमुना से मिलवा रहा हूँ। दोनों का फिजिकल था, फिट हो गया, मेरे को बहुत खुशी है, इन्होंने अच्छी मेहनत की। तो मैं दोनों बहनों को बधाई देता हूँ कि आपका अंतिम रूप से भी चयन हो। और सबसे पहले बनू से पूछते हैं, पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप थोड़ा एकेडमी के बारे में बताएंगे। मेरा नाम भावना है और मैं सूर्तगढ़ से हूँ, और मैं पहले ऐसे ही आगे थी, सर ने कहा कि स्टडी वगैरह करनी है, उसके बाद आऊँ। तो फिर उसके बाद मैंने स्टडी की, फिर मेरा SSCGD का फिजिकल फिट हुई है, और फिर मतलब आगे तक प्रोग्रेस अच्छी है। वैसे सर ने अच्छी तैयारी करवाई है, धन्यवाद सर। वेलकम। मैं यही कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि लड़कियाँ बहुत दूर दूर से फ़ोन करती हैं कि सर मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, मैं UP से बोल रही हूँ, मैं MP से बोल रही हूँ। तो मैं उन बहनों को कहना चाहूँगा कि आपका आने का तभी फ़ायदा है इतनी दूर, जब आपका कोई एग्ज़ाम पास हो, आप यहाँ आके तैयारी करो उतनी दूर से, तो आपका बहुत खर्चा आता है। तो आप एक दो महीने के लिए यहीं, ये भी यहीं के थे लोकल, लेकिन ये आ रहे थे स्पोर्ट्स के लिए तैयार हो, होने में टाइम बहुत लगता है, कम से कम 2-3 साल की तैयारी चाहिए, स्कूल में या कॉलेज में आपका एडमिशन चाहिए। तो मैंने इस बहन को बोला कि आप एक बार तैयारी करो, पढ़ाई करो, एक पढ़ाई करो, अच्छा पेपर पास करो, उसके बाद ही मेरे पास आना। अगर मैं इसको ग्राउंड में लगाए रखता तो ये बेचारी यहीं थकी हारी पढ़ती नहीं, ना पढ़ाई होती, ना ढंग से कोई और दौड़ दौड़ में इसका नंबर आता, तो इसको दौड़ बंद करवा देती। ऐसा मैं आर्मी वाले बैच में भी करता हूँ, मेरे को लगता है कि जो लड़के दौड़ नहीं पा रहे उनको मैं दौड़ बंद करवा देता हूँ, ऐसे बिल्कुल वेस्ट टाइम नहीं तोड़ता मैं किसी बंदे का, कि वो आता रहे फिर उसको रिजल्ट भी नहीं मिले। तो आप फिट हो गए, आपने मेरा कहना माना, पढ़ाई की अच्छी और SSCGD का पेपर पास किया, तो मेरे को गर्व है आप पे, आपको मैं बधाई देता हूँ, फाइनल भी हो आपका। और एकेडमी में कैसा लगा आपको? मेरे को 9 महीने हो गए कंप्लीट, तो पर मेरे को सब कुछ मतलब क्लाइमेट भी अच्छा है यहाँ का, और मतलब सर तो अच्छे है ही, तो सब कुछ अच्छा लगा मेरे को यहाँ, तो बाकी सब कुछ बढ़िया है, तैयारी भी अच्छी करवाते हैं, सब कुछ बढ़िया करवा रहे हैं यहाँ। बस इतना है कि मकरागिरी मत करो, आराम से सब कुछ करो। 1600 का बेस्ट टाइम कितना आ गया? मेरा 6:10 आया था बेस्ट टाइम, जहाँ मैं रनिंग करने के लिए गई थी। तो इन्होंने पहले भी तैयारी कर रखी थी, तो फिर इनका पेपर भी पास हो गया, तो इनकी बेस्ट टाइम 6:10 थी। वहाँ 8:30 का टाइम मिला पूरा। हाँ, 8:30। तो SSCGD में इनका अच्छी तरह हो गया। अभी जमुना से निवेदन अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जय हिंद साथी, मेरा नाम जमुना अग्रवाल और मैं रामबाग से हूँ, और मैं फिजिकल फिट हो गया हूँ, और मेरे को एक मंथ हो गया रनिंग की तैयारी करते हुए। मेरा मतलब यहाँ पर टाइम इतना नहीं अच्छा आया था, वहाँ पर मेरा 7 मिनट आई है रनिंग में, और यहाँ आपने बेस्ट कितना लगा दिया? उन्होंने बोला था सलीम जी के पास जाओ, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। तो दूसरे अकेडमी वालों ने बोला था मेरे पास आ जाओ, मैंने गई मेरे, और मैं रेगुलर आती थी, और एक मंथ तैयारी किया, सर बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, और सर को मैं बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहती हूँ। और यानी इस वक्त तैयारी करवाते हैं सर, बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, और सर अपना आप स्टडी सर आप IAS की तैयारी करते हैं, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम देते हैं और हमें मोटिवेट करते रहते हैं। और सर थैंक यू, आपको बहुत बहुत आभार हमें फिजिकल फिट करवाने के लिए। धन्यवाद आपका। तो मैं यही चाहूँगा आपका चयन हो जाए अंतिम रूप से, और आप आगे भी पढ़ाई जारी रखें, नेक्स्ट अच्छी भर्तियाँ आ रही हैं उनके लिए भी आप तैयारी करते रहें, ताकि और ऊपर की जॉब अपने ले सकें। तो जैसे इन्होंने बताया कि पूजा ने बताया एकेडमी के बारे में, तो मैं पूजा को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी SI में फाइनल चयन हो। पूजा एक्सीलेंट करके गई इधर से, पीछे काफ़ी आर्मी वाले भाई भी लगे हुए हैं, इनका बड़ा शौक रहता है मेरे साथ में। जैसे SSCGD का पूरा बेंच वानी सिंह है अपनी अकेडमी में, पुराना लड़का है, 6-7 साल से छोटा था, तभी आ गया था मेरे पास, 15-14 साल का था, अभी उसकी एज पूरी होगी, लेकिन भर्ती आई नहीं, चेस्ट वगैरह का मत उसको दौड़ बंद है। SSCGD का बेंच उसने तैयार किया, अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा चल रही है भानी सिंह ने। फौजी भाइयों का भी शौक रहता है, अभी मनीष फौजी, रतिराम फौजी, अमन बिश्नोई, आकाश बडगुजर, भानु प्रताप जी CAS SI, मनीष जी थोरी CRPF SI, इतने सारे लोग यहाँ रखे। तो ऐसे अभी तो मैं फुल फ्री माइंड चल रहा हूँ, मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, इन सभी फौजी भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों का चयन हो, और हम इस प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। जय हिंद, जय भारत।